हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। आज इस लेसन में हम कंप्लीट करेंगे टेड ह्यूज की बायोग्राफी। फ्रेंड्स देखिए, टेड ह्यूज लिखा है या फिर हमारे एडवर्ड जेम्स ह्यूजिस लिखा है, ये इनका ही नाम है। दोनों एक ही व्यक्ति हैं। टेड ह्यूज इनको बाद में कहा गया, ओरिजिनल नेम इनका एडवर्ड जेम्स ह्यूज है। क्या क्या रहा है इनके लाइफ के बैकग्राउंड, क्या है इनका वर्क्स, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से अवार्ड मिले और कौन कौन सी इनको उपाधियाँ दी गई फ्रेंड्स, प्लस इन्होंने कहाँ एज ए ब्रिटिश एयरफोर्स में भी ऐसे काम किया है, वो सारी बातें हम इनकी देखेंगे। वर्क्स क्या है, चिल्ड्रंस पोइट कहे जाते हैं, चिल्ड्रंस राइटर कहे जाते हैं, एनिमल पोइट ये कहे जाते हैं, ब्रिटिश हैं ये, ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर के तहत हम इसे पढ़ रहे हैं। और फ्रेंड्स जैसा कि हमारे नवोदय के जो सिलेबस में हैं, 19वीं एंड 20वीं सेंचुरी के समय अमेरिकन एंड इंग्लिश राइटर, उसके तहत ये हमारे बनते हैं टेड ह्यूजेस पढ़ने के लिए। और फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी ये पहला ऐसा वीडियो बन रहा है टीजीटी पीजीटी की स्टडी के लिए यूट्यूब पर, तो आप देखिए टेड ह्यूज को। अभी आपको नहीं मिलेंगे ये इस तरह से जो टीजीटी पीजीटी के वेज में पढ़ाना है, पॉइंट वाइज या एमसीक्यूज कुछ भी नहीं मिलेगा आपको वीडियोज इनका। अभी तो ये फर्स्ट वीडियो ऐसा बन रहा है हमारे इंग्लिश लिटरेचर टीजीटी पीजीटी पर्पज़ से। ठीक है फ्रेंड्स, टेड ह्यूजेस, एडवर्ड जेम्स ह्यूजेस इनका फुल नेम है ये। 1932 1998 इनका ये लाइफ स्पान है, 1930 से 1998, क्योंकि ये 20वीं सेंचुरी के हम बेस्ट पढ़ रहे हैं इंग्लिश राइटर, उसके तहत ही हमारे आ जाएंगे। बर्थ इनका है 17 अगस्त 1930, माइथॉल म्योर्ड, यॉर्कशायर, यूके। यूके में इनका जन्म हुआ है, यूनाइटेड किंगडम में। मृत्यु की इनकी बात कर दें, 28 अक्टूबर 1998 मृत्यु हुई इनकी, एट द एज ऑफ 68, नॉर्थ टॉटन यूके में इनकी मृत्यु हुई है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, चिल्ड्रंस राइटर एंड इंग्लिश पोइट ऑफ 20वीं सेंचुरी। ठीक है, इंग्लिश पोइट थे 20वीं सेंचुरी के, ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट एंड चिल्ड्रंस राइटर कहे जाते हैं। इनकी मदर थी एडिथ ह्यूजिस एंड फादर विलियम हेनरी। मोस्ट ऑफ द मोर रिसेंट जनरेशन ऑफ हिज फैमिली हैड वर्कड इन द क्लोथिंग एंड मिलिंग इंडस्ट्रीज इन द एरिया। इनकी लाइफ के जो पिछले पुराने वंशज थे और थे, जनरेशन थी इनकी, क्लोथिंग एंड मिलिंग इंडस्ट्रीज में वो काम करते थे। उनका ऐसा कोई पोइट्री का, लिटरेचर का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था इनका, टेड ह्यूज का। अर्ली एजुकेशन की बात करें, ही अटेंड द बर्नले रोड स्कूल। तीन स्कूलों के नाम आएंगे फ्रेंड्स, ठीक है, अर्ली एजुकेशन के तहत इनके, या एजुकेशन के तहत। तो ये फर्स्ट हो गए हमारे बर्नले रोड स्कूल अंटिल ही वाज 7। उसके बाद इनकी फैमिली ने मूव किया कहाँ, मैक्सबोरो, ये एक स्थान का नाम है, यहाँ आगे उनकी फैमिली शिफ्ट हो गए। एंड देन अटेंडिंग स्कोफील्ड स्ट्रीट जूनियर स्कूल, यहाँ पे एट द एज ऑफ 7 उन्होंने फिर ये वाला स्कूल ज्वाइन किया। 7 साल की उम्र तक जो प्रारंभिक शिक्षा ली उन्होंने, बर्नले रोड स्कूल यहाँ पर ली। उसके बाद आ गई ये मैक्सबोरो और वहाँ इनका एडमिशन हुआ स्कोफील्ड स्ट्रीट जूनियर स्कूल एट द एज ऑफ 7। उसके बाद आ जाते हैं और ह्यूजेस अटेंडेड मैक्सबोरो ग्रामर स्कूल, उसके बाद ये इनका थर्ड स्कूल है, मैक्सबोरो ग्रामर स्कूल इन्होंने ज्वाइन किया, वेयर टीचर्स एनकरेज हिम टू राइट एंड डेवलप हिज इंटरेस्ट इन पोइट्री। वहाँ इनको टीचर्स ने काफ़ी इंकरेज किया पोइट्री के लिए, पोइट्री लिखने के लिए। ह्यूजेस वाज मेंटर्ड बाय हिज सिस्टर ऑलविन, हु वाज वेल वर्स्ड इन पोइट्री, एंड अनदर टीचर जॉन फिशर। इनके दो मेंटर थे, इनके सिस्टर ऑलविन और जॉन फिशर, एक और टीचर थे इनके, इन्होंने इनको बिल्कुल मेंटर थे इनके, इन्होंने इनको काफ़ी इंस्पायर किया लिखने के लिए। इन 1946 पब्लिश्ड अ पोएम वाइल्ड वेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाइल्ड वेस्ट पोएम इनकी आई 1946 में। एंड अ शॉर्ट स्टोरी आई इनकी ग्रामर स्कूल की, जो मैगजीन थी, यही स्कूल है जो ऊपर ग्रामर स्कूल, इसकी एक मैगजीन थी द डॉन एंड द टियर्न, उस मैगजीन में इनका ये वर्क, इनकी पोएम जो है वाइल्ड वेस्ट जो है पब्लिश्ड हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, 1946 में, अब जहाँ की 1940 में पब्लिश हुई है, इनकी उम्र हो गई यहाँ 16 नाउ बाय 16। ही हैड नो अदर थॉट देन बीइंग अ पोइट, अब इनके पास और कोई थॉट नहीं था, सिर्फ एक ही थॉट था कि भाई इन्हें पोइट ही बनना है लाइफ में आगे। 1949 टू 1951, देखिए इनको एक स्कॉलरशिप मिली, यहाँ पढ़ेंगे सही से, 1948 की बात है, ही वन अ स्कॉलरशिप टू पेम्ब्रोक कॉलेज कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के तहत पेम्ब्रोक कॉलेज में इनको एक स्कॉलरशिप मिली पढ़ने के लिए पेम्ब्रोक कॉलेज में। हाउएवर इंस्टीड ऑफ ज्वाइनिंग द कॉलेज, कॉलेज ज्वाइन करने के अतिरिक्त उन्होंने क्या किया, ही डिसाइडेड टू अंडरटेक हिज नेशनल सर्विस फर्स्ट, और उन्होंने एक और उन्होंने सोचा कॉलेज का मैं बाद में करूँगा, पहले उन्होंने नेशनल सर्विस करने का डिसीजन लिया। ही ज्वाइन द रॉयल एयरफोर्स इन 1949 एंड सर्वड एज ग्राउंड वायरलेस मैकेनिक, ग्राउंड वायरलेस मैकेनिक के रूप में रॉयल एयरफोर्स में उन्होंने काम किया 1949 से लेकर 51 तक।
ठीक है 1951 तक। तो यही है यहाँ पे ये पॉइंट हमारा कि उन्होंने चूज़ क्या किया पहले टू डू हिज नेशनल सर्विस, या ना कि वो स्कॉलरशिप लेके पढ़ने चले गए। ठीक है, यॉर्कशायर में था ये, रॉयल एयरफोर्स ज्वाइन किया, 2 ईयर्स के लिए इन्होंने ज्वाइन किया एज अराउंड वायरलेस मैकेनिक। उसके बाद फिर ये गए अपनी स्टडी करने, स्टडीज़ इंग्लिश एट पेम्ब्रोक कॉलेज अंडर MJC हॉटगार्ड एंड अथॉरिटी एंड बेलेटिक फॉर्म, यहाँ पर इन्होंने इनके अंडर जो है स्टडी किया पेम्ब्रोक कॉलेज में 1951 में। ये आ गए अपने सर्विस करके, नेशनल सर्विस करके, और फिर ये ग्रेजुएट हैं यहाँ 1954 में ग्रेजुएट हुए फ्रॉम द कैम्ब्रिज विद एंथ्रोपोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव जाति का विज्ञान एंड आर्कियोलॉजी पुरातत्व। तो यहाँ इन दो सब्जेक्ट्स उन्होंने ग्रेजुएशन किया था कैम्ब्रिज से 1954 में, पेम्ब्रोक कॉलेज कैम्ब्रिज से। ठीक है, हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोइट्री अपीयर्स इन चेक्योर, यहाँ पर इनकी फर्स्ट पब्लिश्ड पोइट्री अपीयर हुई थी, द लिटिल बॉय एंड द सीजन। द लिटिल बॉय एंड द सीजन्स इनकी पोयम है ह्यूजेस की, पब्लिश्ड इन ग्रांटा अंडर द पेन नेम्स, यूडोनिम्स की कह सकते हैं हम उसे, डैनियल हियरिंग इनका पेन नेम था, उसमें सीडोनिम, इन्होंने छुपा हुआ नाम जो लोग रख लेते हैं अपनी पोइट्री पब्लिश कराने के लिए तो उसको कहते हैं हम सीडोनिम, तो वो है ये डैनियल हियरिंग। किसने रखा था ये नाम हमारे, टेड ह्यूज ने रखा था, और कौन सा वर्क पब्लिश कराया था उन्होंने, द लिटिल बॉय एंड द सीजन, ग्रांटा में पब्लिश हुआ था ये मैगजीन या न्यूज़पेपर जो है, मंथली न्यूज़पेपर मैगजीन है, तो उसमें इनका पब्लिश हुआ था ये द लिटिल बॉय एंड द सीजन, और ये डैनियल हियरिंग इनका सीडोनिम था। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक और सीडोनिम ये यूज़ करते थे, पीटर क्र्यू, इन सम वर्क में इन्होंने ये भी यूज़ किया है पीटर क्र्यू, कहीं कहीं इस बात का भी जिक्र आया है। फ्रेंड्स, टेड ह्यूजेस के आज हम इस लेसन में पूरे 61 पॉइंट कंप्लीट करेंगे, वर्क्स सब कुछ है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एंड तक देखिएगा वीडियो, और ये आप पढ़ेंगे तो टेड के आपके कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले। आफ्टर यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी कम्प्लीट हो गया 1954 तक, लिविंग इन लंदन, लिविंग एंड लंदन कैम्ब्रिज, उन्होंने ह्यूजेस वेंट ऑन टू हैव मैनी वेरिड जॉब, कुछ और भी उन्होंने जॉब करी थी अपनी लाइफ में, जैसे कि रोज़ गार्डनर की, अ नाइट वॉचमैन, रीडर फॉर द ब्रिटिश फिल्म कंपनी, एंड इन लंदन जू, लंदन जू में भी उन्होंने जॉब करी थी एज अ वॉशर अपर। और यहाँ जू में जो जॉब करी थी, यहाँ से वैसे भी वो बचपन से ही था इनका, इन्हें एनिमल्स बहुत ही प्यारे थे, और जो ये टॉयज लिया करते थे बचपन में वो भी एनिमल्स वाले ही लिया करते थे। इस तरह से कुछ बातें आती हैं इनकी लाइफ की कि एनिमल्स पोइट जैसे ये हैं, चिल्ड्रंस पोइट हैं तो क्यों हैं, इस तरह से इनके लाइफ से ही ऐसा था। ड्यूरिंग 1955 टू 1956 का समय है जब इन्होंने ये सारे जॉब्स किए, ठीक है, बचपन से लेकर 1956 तक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है, अब आ गए 1956 में, ईयर वाइज हम चल रहे हैं, पॉइंट वाइज चल रहे हैं, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग ईजी वे में समझते हुए चल रहे हैं टेड ह्यूजेस की लाइफ पूरी। तो 25 फरवरी 1956 की बात है, ही लॉन्च्ड हिज लिटरेरी मैगजीन, इनकी लिटरेरी मैगजीन लॉन्च हुई थी सेंट बुटोल्फ्स रिव्यू, ठीक है, इनकी नहीं थी वो, इन्होंने 6 लोग थे टोटल, उसमें से एक प्रोड्यूसर ये भी थे। तो ही लॉन्च्ड हिज लिटरेरी मैगजीन सेंट बुटोल्फ्स रिव्यू, ये हमें नाम याद रखना है कौन सी लिटरेरी मैगजीन इन्होंने पब्लिश करी थी। यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे हमारे, क्योंकि इन अ पार्टी, और एक पार्टी इन्होंने लॉन्च करी थी इसको लॉन्च करने के लिए, ठीक है, पार्टी थ्रो करी थी एक कि भाई एक अपनी मैगजीन हम लॉन्च कर रहे हैं सेंट बुटोल्फ्स रिव्यू के नाम से, एंड ही वाज वन ऑफ द 6 प्रोड्यूसर ऑफ इट, उसमें से एक प्रोड्यूसर ये भी थे, 6 प्रोड्यूसर थे कुल। तो इन द सेम पार्टी, इसी पार्टी में ही मैट सिल्विया स्प्लैथ एन अमेरिकन पोइटिस, देखिए अमेरिकन पोइटिस बहुत ही फेमस थी ये भी, सिल्विया प्लैथ, उनसे मिले ये इसी पार्टी में, ठीक है, 1956 25 फेब, यहाँ मिले इस पार्टी में ये सिल्विया प्लैथ से। उसके बाद प्लैथ जो हैं इन्होंने इनको इनक्रेज किया टू सबमिट हिज फर्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट, इनके पास एक इनका वर्क लिखा हुआ रखा था, अभी वो पब्लिश नहीं कराया था इन्होंने, तो प्लैथ ही थी जिसने इनको इनक्रेज किया कि भाई अपना ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है तुम्हारे पास, हस्तलिखित कॉपी जिसे हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, द हॉक इन द रेन, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट इनके पास रखी थी। प्लैथ ने इनको इनक्रेज किया कि भाई तुम इसे सबमिट कर दो एक कॉन्टेस्ट में, वो कॉन्टेस्ट था टू पोइट्री सेंटर्स फर्स्ट पब्लिकेशन बुक कॉन्टेस्ट, पहला जो डेब्यू होना चाहिए और एक नंबर का होना चाहिए तो उसको मिलेगा प्राइस, तो ही वन द फर्स्ट प्राइज, और उसमें इनको फर्स्ट प्राइज़ मिल गया, ठीक है, तो ये कॉन्टेस्ट था इनका, इसमें इन्होंने अपने ये सबमिट करा द हॉक इन द रेन की मैन्यूस्क्रिप्ट और इन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिल गया। और जज कौन थे फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, बहुत ही फेमस हमारे जो लिटरेचर के
हमारे व्यक्ति हैं WH ऑर्डन, स्टीफन स्पेंडर एंड मैरिन मूरे, ये तीन जज थे, बहुत ही फेमस नाम ग्रामीण लोग लिटरेचर से वहाँ जज थे, और उन्होंने इसको फर्स्ट प्राइज मिला भाई इनकी इस रचना को, द हॉक इन द रेन को। ठीक है, 21 पॉइंट पे हम आ जाते हैं, सोलह जून की बात है, 1956। फिर उन्होंने सिल्विया प्लेथ से ही शादी कर ली, और देखिए 1956 में शादी करी और 1962 में ये अलग हो गए, लेकिन 1956 में शादी करी थी और ये अलग क्यों हुए थे, क्योंकि इनका अफेयर हो गया था एजिया वेबल से। ठीक है, और फिर ये अलग हो गए दोनों, एंड फिर उसके बाद सिल्विया ने जो है सुसाइड कर ली थी 1963 में, ये हमें याद रखना है, सिल्विया की सुसाइड हो गई थी 1963 में, और फिर इनके ऊपर पहाड़ टूटा, लोगों ने खूब इल्ज़ाम लगा इन पर कि तुम्हारी वजह से उसने सुसाइड करी है, तुमने अफेयर किया, और फिर उसको वो ये सब, हालांकि वो इस बात से अवेयर नहीं थे सिल्विया के बैकग्राउंड से कि वो कैसे डिप्रेशन में थी क्या थी, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने ब्लेम किया कि आपकी वजह से ही उसने सुसाइड करी है। अब आ जाते हैं ये फॉलोइंग प्लेथ सुसाइड, प्लेथ की सुसाइड के बाद ही रॉट टू पोएम्स, द हॉलिंग ऑफ वॉफ्स एंड सॉन्ग ऑफ अ रेट, ये उन्होंने थोड़ा सा इनको करते हुए लिखा। फिर ही डिड नॉट राइट आफ्टर सिल्वियाज डेथ फॉर 3 ईयर्स, और उसकी मृत्यु के 3 साल बाद इन्होंने दो तीन साल तक इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, उसने सुसाइड कर ली। फिर अब आ जाते हैं 1963 में उसने सुसाइड करी थी, और ये हमारा 66 पे हम आ गए, देख लीजिए 63 में सुसाइड करी थी, 66 पे आ गए, 3 साल तक कुछ नहीं लिखा। फिर इन्होंने लिखी अपनी एक पोयम द लाइफ एंड सॉन्ग ऑफ द क्रो, ये है इनकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क जहाँ से ये जाने भी जाते हैं, द लाइफ एंड सॉन्ग ऑफ द क्रो पोएम। अभी ये पब्लिश नहीं हुई है, अभी यहाँ सिर्फ लिखने की बात चल रही है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जो 1969, हिज गर्लफ्रेंड एशिया वेवल कमिटेड सुसाइड इन द सेम वे। अब लो भाई, इसने एशिया वेवल जो उनकी गर्लफ्रेंड थी जिसकी वजह से इन्होंने सिल्विया प्लेथ को छोड़ा था, उसने भी 1969 में कर ली सुसाइड। अब तो पूरा इनको शौक लग गया इनकी लाइफ पे, इन दिस शौक ह्यूजेस कुड नॉट फिनिश द क्रो सीक्वेंस, और इसी शौक में इन्होंने अपना क्रो जो वर्क था वो बिल्कुल भी ये सीक्वेंस उसका पूरा नहीं कर पाए। 1970 मैरिड कैरोल और कर्ड नर्स, इन्होंने कैरोल से शादी कर ली जो एक नर्स थी 1970 में। बिकम प्रेसिडेंट, अब इस तरह से इनकी मैरिड लाइफ की अभी हम एक पेज पे देखेंगे पूरा, कि वाइफ तो थी, ये गर्लफ्रेंड थी, किसने कब सुसाइड करी सब मैंने एक अलग से भी लिखा है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम पहले देख लेते हैं, बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द चैरिटी फार्म्स फॉर सिटी चिल्ड्रन, एक चैरिटी फार्म्स था सिटी चिल्ड्रन करके, उसके ये फाउंडिंग प्रेसिडेंट बनाए गए थे, जो कि स्थापना उसकी करी थी इनके फ्रेंड मिशेल मॉर्फर्गो एंड इन एडिसले, स्थान का नाम है जहाँ पर इनके फ्रेंड मिशेल मॉर्फर्गो ने ये एस्टेब्लिश किया था चैरिटी फॉर्म्स सिटी चिल्ड्रन करके, और इसको प्रेसिडेंट बना दिया था टेड ह्यूजेस को। ठीक है, मैरिड लाइफ इनकी ऑल ओवर हम देख लेते हैं। पहले इन्होंने शादी करी मैरिड टू सिल्विया प्लेथ 1956, फिर इन्होंने सिल्विया को छोड़ दिया फॉर एशिया वेवल्स। ठीक है, 1963 में सिल्विया प्लेथ ने सुसाइड करी, फिर एशिया वेवल ने भी 1969 में सुसाइड कर ली। फाइनली इन्होंने सेकंड मैरिज करी, ये सेकंड मैरिज थी इनकी कैरोल ऑर्कर्ड से 1970 में, और मृत्यु तक ये लोग एक साथ रहे, फिर इसके बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 30 हम देख लेते हैं, रेनबो प्रेस, जैसे इन्होंने एक मैगजीन पब्लिश कराई थी ना 6 लोग मिलके लिटरेरी मैगजीन, ऐसे ही इनका ये क्वेश्चन बनता है रेनबो प्रेस का, सेट बाय हिम एंड हिज सिस्टर ऑलविन इन 1971। ठीक है, अब जैसे कि इनकी शादी हो गई 71 में आ गए, अब 1970 तक का पढ़ लिया हमने, 71 से अब हम क्या देख रहे हैं कि इन्होंने एक प्रेस की स्थापना करी, खुद की प्रेस खोली रेनबो प्रेस अपनी बहन के साथ मिलकर, एंड उसमें उन्होंने 16 टाइटल्स जो हैं 1971 से लेकर 1981 तक पब्लिश कराए, कुल 16 ऐसे टाइटल्स कहते हैं पोइट्री कलेक्शन प्रोज कलेक्शन वो करके उन्होंने पब्लिश कराए। उसमें किसकी पोयम थी, सिल्विया प्लेथ की पोयम थी, टेड ह्यूजेस की इनकी खुद की भी थी, और कुछ भी और भी थे जैसे कि रूथ फेनिंट, इन सब की इसमें वर्क्स थे जो इन्होंने रेनबो प्रेस में पब्लिश कराए। हमें रेनबो प्रेस का नाम याद रखना है जो कि इन्होंने अपनी बहन के साथ मिलकर सेट किया था 1971 में। 1984 में फ्रेंड्स इनको अपॉइंट किया गया था एज पोइट लॉरिएट। ठीक है, पोइट लॉरिएट बने थे 1984 में। यहाँ से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भाई क्यों है हमारे कोर्स में पोइट लॉरिएट, जिनको बनाया गया वो तो हम कोर्स में पढ़ेंगे ही ना, और चिल्ड्रंस राइटर हैं ये, क्योंकि हमें टीचर बनना है तो चिल्ड्रंस का तो हम पढ़ेंगे ही, भाई चिल्ड्रंस राइटर हैं तो टेड ह्यूजेस हैं वो हमें ज़रूर पढ़ना है। कई ऐसे पॉइंट बन तब तक ये पोइट लॉरिएट के पद पर रहे। अ कलेक्शन ऑफ एनिमल पोएम्स फॉर चिल्ड्रन हैड बीन पब्लिश बाई फीवर,
फेवर एंड फेवर जो है पब्लिशर्स थे इनके, उन्होंने इस बीच इनकी एक कलेक्शन ऑफ एनिमल्स जो पोएम्स थी वो भी पब्लिश कराई। वॉट इज़ द ट्रुथ, ये जो इनका वर्क है इस वर्क के लिए इन्होंने जीता था गार्जियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज़। यहाँ से इनकी आधारशिला बनने शुरू हो गई कि भाई किस तरह से ये चिल्ड्रंस राइटर बने। तो वट इज़ द ट्रुथ जो इनका वर्क था इसके लिए इन्हें एनुअल प्राइज़ मिला था गार्जियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज़। ये हम इनके अवार्ड और अचीवमेंट्स में भी अभी आगे देखेंगे। ही रॉट मैनी वर्क फॉर चिल्ड्रन एंड कोलाबरेटेड क्लोजली विद पीटर ब्रूक। पीटर ब्रूक के साथ मिलकर उन्होंने कई वर्क कोलाबरेट करके लिखे। 1993-1994 में हम आ जाते हैं, ही मेड अ रेयर टेलीविजन अपियरेंस फॉर चैनल एंड अ डॉक्यूमेंट्री सेवन क्रोज आ सीक्रेट। इन्होंने टेलीविज़न पे भी ये बहुत ही थोड़े से समय के लिए दिखाई दिए थे। 1993 में इन्होंने था चैनल के लिए आए थे, एक रेयर अपीयरेंस इनका टेलीविज़न पर, और एक डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड आए थे 1994 में, टेलीविज़न पे ये दिखाई दिए थे इन सनों इन ईयर्स के बीच। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ह्यूजेस वॉज अपॉइंटेड अ मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जस्ट बिफोर ही डेड। 1998 में जैसे जब ये इनकी मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स, उसी समय की ये बात चल रही है, इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मेंबर बनाया गया था क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा। ये इनके अवार्ड्स अचीवमेंट्स हैं। ह्यूजेस लव ऑफ एनिमल्स वाज वन ऑफ द कैटलिस्ट इन हिज डिसीजन टू बिकम अ पोएट। जैसा कि मैंने बताया इनका लव ऑफ एनिमल्स काफ़ी था, तो इनका जो एनिमल्स के प्रति लगाव था वही इनका एक उत्प्रेरक था, कैटलिस्ट में था उत्प्रेरक कि ये बने एक पोएट। ठीक है, इस चीज़ ने इनको काफ़ी प्रेरित किया था, एनिमल्स लव ऑफ एनिमल्स की, भाई हमें पोएट बनना है और फिर इसी वे में पोएट्री लिखनी है, और फिर एनिमल्स लाइक पोएट्री तो बच्चों को खास तौर से पसंद होती ही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा हिज इम्पॉर्टेंट वर्क, यहाँ तो हमें पढ़ना ही, हमारे मेन तो यही आ जाती है बात सारी। पोएट्री कलेक्शन होंगे इसमें, इनके प्लेज हम देखेंगे, कुछ इन्होंने और भी वर्क लिखे हैं, चिल्ड्रंस के लिए क्या लिखा है वो अलग से देखेंगे। तो ये इनका पोएट्री कलेक्शन है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है इनका, 1957 में पब्लिश हुआ था ये, द हॉक इन द रेन, जिस वो जो कॉन्टेस्ट में इन्होंने जो सबमिट किया था ना वही है ये, 1957 में पब्लिश हुआ था ये। ल्यूपर्कल 1960 में आया था, पाइक 1959 में आया था, वॉडवो 1967 में आया था, क्रो, ये जो क्रो इनका वर्क है इसका फुल टाइटल है फ्रॉम द लाइफ एंड द सॉन्ग ऑफ द क्रो, 1970 में ये पब्लिश हुआ था। उसके बाद इनके और पोइट्री कलेक्शन है, सिलेक्टेड पोएम, जो इसका पूरा नाम है सिलेक्टेड पोएम 1957-1981, और ये पब्लिश हुआ था 1982 में। केव वर्ड्स 1975, गॉडेट 1977, रिमेन्स ऑफ एलमेट 1979, मुअर टाउन 1979, वॉल्फ वॉचिंग, ये मुअर टाउन एंड वॉल्फ वॉचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस है आई मीन, एंड रेन चार्म फॉर द डची 1992 में आया था, ये रेन चार्म फॉर द डची 1992 में पब्लिश हुआ है। फ्लावर ऑफ इंसेक्ट्स 1986, एंड इस मेन इंपॉर्टेंट वर्क है जो द बर्थडे लेटर्स 1998 में आया था फ्रेंड्स, जब इनकी मृत्यु हुई थी उसके थोड़े ही समय पहले, और इसके लिए इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत अचीवमेंट्स मिले, 3/4 अकेले सिर्फ इसी के लिए मिले, द बर्थडे लेटर्स के लिए, तो वो हम अभी आगे देखेंगे सारे। बुक्स फॉर चिल्ड्रन, भाई चिल्ड्रन के लिए इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, मीट माई फॉक्स 1861 में लिखी इन्होंने, फर्स्ट बुक राइट फॉर चिल्ड्रन, इनकी बच्चों के लिए पहली बुक थी, हाउ द हेल बिकेम 1963 में आई, द अर्थ आउल एंड अदर मून पीपल 1963 में ये पब्लिश हुआ है, द आयरन मैन, ये है मोस्ट फेमस इनका द आयरन मैन, इसके बारे में हम डिटेल से भी देखेंगे आगे। 1968 में आया था ये इनका, बुक्स फॉर चिल्ड्रन है ये। सीजन सॉन्ग द आयरन वुमन, ये इसका सीक्वल है आयरन मैन का, 1993 में आया, द कैट एंड द कुकू 1987 में, ये इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो चिल्ड्रन के लिए उन्होंने लिखे, बुक्स हैं ये। अब आ जाते हैं थोड़ा प्रोज वर्क इनके एक दो तीन हैं बस, पोइट्री है जो पोइट्री इज़ 1961 में, ये प्रोज वर्क है, नाम पोइट्री इज़ है। शेक्सपियर एंड द गॉडेस ऑफ कंप्लीट बीइंग 1993 में पब्लिश हुआ है ये, एंड अ डांसर टू गॉड ट्रिब्यूट टू टी आर सीलियट, ये भी इनका प्रोज वर्क है, 1993 में पब्लिश हुआ है। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में इनके देख लेते हैं, ये दो है, द ड्रीम फाइटर एंड अदर क्रिएशन टेल्स 1995 में आया इनका, एंड डिफिकल्टीज ऑफ अ ब्राइड ग्रूम कलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज 1995 में आया है। हमें स्पेशल याद रखना है पोइट्री और चिल्ड्रंस बुक, ये सब फिर भी मैंने बताना है क्योंकि पढ़ना तो हमें पूरा ही पड़ेगा ना, कुछ भी नहीं छोड़ सकते, हमें पूरा बायोग्राफी हम कवर कर रहे हैं उनकी। प्लेज देखिए, इन्होंने रेडियो प्ले लिखे, द हाउस ऑफ एरिस 1960, द काम 1961, डॉग्स 1964, अ हाउसफुल ऑफ विमेन 1961, ये भी रेडियो प्ले, द वाउंड 1962, एंड और गेस्ट, ये 1971 में आया था इनका प्ले, कोलाबरेशन विद पीटर ब्रूक, यहाँ पे पीटर ब्रूक का नाम फिर से आ गया, और गेस्ट में इन्होंने ये प्ले लिखा था, 1971 में आया था ये, उनके साथ पीटर ब्रूक के साथ कोलाबरेशन में लिखा।
अब देखते हैं एंथोलॉजीज एडिटेड बाय ह्यूजेस, ये होता है कुछ संकलन इन्होंने किए, संकलन थे उनको इन्होंने एडिट करके फिर पब्लिश कराया। तो ये है इनके सिलेक्टेड पोएम्स बाय एमिली डिकिंसन, सिलेक्टेड पोएम बाय सिल्विया प्लैथ, सिलेक्टेड वर्ड्स ऑफ शेक्सपियर, अ चॉइस ऑफ कॉलरिज वर्ड्स, द रैटल बैग, द स्कूल बैग। और ये इन्होंने जो एडिट किए थे एंथोलॉजीज, ये करी थी इन्होंने सीमेस हेनी के साथ मिलकर एडिट किए थे ये वर्क इनके। बर्थडे लेटर को थोड़ा डिटेल से देखेंगे, बहुत फेमस है, क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से ज़्यादा। पब्लिश हुआ है 1998 में, इनकी मृत्यु के एक महीने ही पहले। अ कलेक्शन ऑफ पोइट्री है, प्रोज पोएम है इसमें, टोटल 88 पोएम्स हैं। पब्लिशर कौन थे, फेवर एंड वॉन मैनी लिटरेरी अवार्ड्स, बहुत अवार्ड्स मिले इनको, वो 3-4 हैं वो मैं अभी आगे बताऊँगी आपको। इज़ अबाउट हिज रिलेशनशिप एंड लाइफ विथ हिज वाइफ सिल्विया प्लैथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो इनके रिलेशन रहे इनकी वाइफ से सिल्विया प्लैथ, जिन्होंने सुसाइड कर ली थी और इनके ऊपर बहुत बातें उठी थी कि भाई आपकी वजह से की है, तो वो सारा खुलासा जो भी रिलेशन थे लाइफ के इनकी वाइफ के साथ, ये इन्होंने इसमें बताए हैं द बर्थडे लेटर्स में। और ये स्पेशली हमें याद रखना है कि क्या है, किस बारे में है, तो ये रिलेशनशिप है इनकी लाइफ की और इनकी वाइफ के साथ, वो इसके बारे में है, ठीक है, बर्थडे लेटर्स। क्रो जो इनका पोइट्री कलेक्शन है, देखिए उसके बारे में डिटेल से देखना है, पब्लिश हुआ था 1970 में, फीवर एंड फीवर में ही पब्लिश कराया था। फुल टाइटल क्या है इसका, क्रो फ्रॉम द लाइफ एंड द सॉन्ग ऑफ द क्रो। रॉट लिखा था इन्होंने 1966 से लेकर 1969 के बीच, आफ्टर अ बैरन पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ सिल्विया प्लैथ, जब 1963 में सिल्विया प्लैथ ने सुसाइड कर ली थी, उसके बाद 3 साल इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, और 66 से लेकर 69 तक के बीच के समय में इन्होंने ये लिखा था और 70 में पब्लिश कराया था। द बुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स अबाउट द कैरेक्टर क्रो, एक कैरेक्टर होता है उसका नाम ही क्रो है, जो उन्होंने कई सारी दुनिया में जो भी माइथोलॉजिकल वर्क है वहाँ से ये कैरेक्टर उन्होंने उठाया था, ठीक है, क्रो इनका पोइट्री कलेक्शन है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द हॉक इन द रेन, जो इनका फर्स्ट कलेक्शन था, 1957 में पब्लिश हुआ है फ्रेंड्स, तो ये हमें याद रखना है द हॉक इन द रेन। इसके बारे में कुछ एक दो पॉइंट्स अलग से आ जाते हैं, देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, टोटल 40 पोएम्स है इसमें। इनकी फर्स्ट बुक है पोइट्री की, डेडिकेटेड टू सिल्विया प्लैथ, क्योंकि भाई इन्होंने ही तो इन्हें एनकरेज किया था कि भाई आप अपनी इसकी कॉपी सबमिट करो और आपको कॉन्टेस्ट में, तो ये फर्स्ट प्राइज़ भी जीते थे, तो इन्होंने सिल्विया प्लैथ को जो है अपने इसको डेडिकेट कर दिया था। सम पोएम इमेजिन द रियल एंड सिम्बॉलिक लाइफ ऑफ एनिमल एज अ फॉक्स, अ जगुआर एंड हॉक, इसमें जो कुछ ऐसी पोएम्स हैं जो इमेजिन करते हैं या सिम्बॉलिक है एनिमल्स की लाइफ को लेकर, फॉक्स, जैगुआर, हॉक, इन सारे एनिमल्स को लेकर सिम्बॉलिक वे में कुछ पोएम्स लिखी गई हैं। आयरन मैन को हम कैसे छोड़ सकते हैं फ्रेंड्स, ये चिल्ड्रंस का फेस बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चिल्ड्रंस बुक है द आयरन मैन, 1968 में पब्लिश हुई है, और इसका फुल टाइटल क्या है, द आयरन मैन अ चिल्ड्रंस स्टोरी इन 5 नाइट्स, साइंस फिक्शन नॉवेल है, फर्स्ट पब्लिश हुआ था बाय फेवर ने पब्लिश कराई थी 1968 में। डिस्क्राइब करते हैं डिस्क्राइब द अनएक्सपेक्टेड अराइवल्स इन इंग्लैंड ऑफ अ जाइंट मेटल मैन, एक मेटल मैन राक्षस होता है वो इंग्लैंड में आ जाता है, इस तरह से इसमें इन्होंने बताया है अराइवल होता है उसका आयरन मैन में। फिर देखिए क्रिटिक्स फ्रीक्वेंटली रैंक हिम एज अ वन ऑफ द बेस्ट पोइट ऑफ हिज जनरेशन एंड वन ऑफ द 20th century ग्रेटेस्ट, अपनी जनरेशन के 20th century के जितने भी थे पोइट, ग्रेटेस्ट पोइट थे, उसमें इनको क्रिटिक ने रैंक नंबर 1 पे रखा है। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स देखिए फ्रेंड्स, पोइट लॉरियट रही 1984 से लेकर 1998 अपनी मृत्यु तक, टिल इज डेथ। ऑर्डर ऑफ मेरिट इनको मिला 1998 मृत्यु से जस्ट पहले, ही वॉज अपॉइंटेड ऑन द ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, वन ऑफ द ब्रिटेन्स हाईएस्ट ऑनर है ये हमारा। कोस्टा बुक अवार्ड्स इनको मिला है 1997-1998 में। गार्जियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज इनको मिला है 1984 में, मैं पहले बता चुकी पीछे, फॉर व्हाट इज़ द ट्रुथ के लिए इन्हें कौन सा प्राइज़ मिला, गार्जियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं द गार्जियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज इनको किस वर्क के लिए मिला, व्हाट इज़ द ट्रुथ के लिए मिला, कब मिला, 1984 में मिला। एंड ये गैलब्रेथ प्राइज़ है 1959 में मिला इन्हें फॉर द हॉक इन द रेन के लिए, जो इनका फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन है हॉक इन द रेन, उसके लिए इन्हें कौन सा प्राइज़ मिला था, गैलब्रेथ प्राइज़ 59 में मिला था, 57 में पब्लिश हुई थी वो। एंड इन 2008 द टाइम्स, जो कि बहुत ही फेमस है ये द टाइम्स न्यूज़ एजेंसी, रैंक्ड ह्यूज फोर्थ ऑन देयर लिस्ट ऑफ द 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स सिंस 1945। ये जो उनका टाइटल था 1945 के बाद से अब तक के 50 ग्रेट ब्रिटिश राइटर्स में उनको उन्होंने जगह मिली थी टाइम्स के द्वारा।
लेटर ऑफ टेड ह्यूजेस, ये देखिए इनके जो लेटर्स थे, कलेक्शन था ऑफ हिज करेस्पॉन्डेंस, रिलीज किया गया वो 2007 में, एडिटेड बाय क्रिस्टोफर रेड ने एडिट किया था, और फिर ये एक वर्क इनका था, बाद में रिलीज़ किया गया था, और 2007 में इनके लेटर्स जो थे तो उसको लेटर ऑफ रेड ह्यूजेस करके टाइटल दिया और पब्लिश कराया गया था 2007 में बाय एडिटेड बाय क्रिस्टोफर रेड। ये देखिए कुछ इनकी दो बहुत ही अर्लीस्ट पोएम और स्टोरी है, द थॉट बॉक्स हिज अर्लीस्ट पोएम, द रेन हॉर्स हिज अर्लीस्ट स्टोरी। हिज पेरेंट्स रैन अ न्यूज़ एजेंट्स एंड टोबैकोनिस्ट शॉप, मतलब न्यूज़पेपर जो बांटते हैं वो और तंबाकू की जो शॉप्स चलाते हैं वो पेरेंट्स इनके ये काम करते थे, और उन्होंने अपने एक वर्क जो है इनका है पोएट्री इन मेकिंग में इस बात को रिकॉर्ड किया है। तो ये इसलिए मैं बता रही हूँ, पोएट्री इन मेकिंग में इन्होंने अपने पेरेंट्स की वो दुकान के बारे में और जो न्यूज़ का न्यूज़पेपर वो लोग जो मॉर्निंग में बांटने जाते हैं वो सब रिकॉल किया है अपने इस वर्क में पोएट्री इन मेकिंग में। अ टेड ह्यूजेस बेस्टियरी 2014, ये सिलेक्शन है इनके पोएम्स का कंसर्निंग एनिमल लाइफ, एनिमल्स पोइट जैसे कि कहे जाते हैं। तो ये जो वर्क है अ टेड ह्यूजेस बेस्टियरी, इस सिलेक्शन में सिर्फ एनिमल्स लाइफ वाले ही पोएम्स हैं, तो इसलिए हमें अलग से याद करना है एनिमल लाइफ वाले पोएम, स्पेशली अगर कहीं इनके पब्लिश कराए गए हैं 2014 में अ टेड ह्यूजेस बेस्टियरी, तो ये है इनका सिलेक्शन ऑफ इस पोएम्स कंसर्निंग एनिमल लाइफ। ये वो अवार्ड है जो इन्हें सिर्फ और सिर्फ बर्थडे लेटर्स के लिए मिले, ये हमें याद रखना है। जो मैंने बताया था ना आपको इनको बर्थडे लेटर्स के लिए कई अवार्ड्स अचीवमेंट मिले अवार्ड्स मिले, तो वो है इसका फॉरवर्ड पोइट्री प्राइज, टी एस इलियट प्राइज़ फॉर पोइट्री, विट ब्रेड पोइट्री एंड विट ब्रेड ब्रिटिश बुक ऑफ द ईयर, ये फोर इनको प्राइज़ मिले थे किसके लिए, ऑल दिस अवार्ड्स वन फॉर बर्थडे लेटर्स के लिए, ठीक है। 1998 में ये पब्लिश हुआ था। और आज का लास्ट पॉइंट हमारा है, इन 2009 द पोइट्री सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड द टेड ह्यूज अवार्ड, इनके नाम से अवार्ड भी दिए जाते हैं फ्रेंड्स, जो कि 2009 से दिए जा रहे हैं इनके नाम से अवार्ड, पोइट्री सोसाइटी के द्वारा स्थापित किए गए पुरस्कार टेड ह्यूज अवार्ड्स एंड एनुअल प्राइज गिवन टू द यूके पोइट्स फॉर देयर वर्क, यूके यूनाइटेड किंगडम्स के जो पोइट हैं उनको दिए जाते हैं, 2009 से दिए जा रहे हैं फ्रेंड्स। टेड ह्यूज की बायोग्राफी से रिलेटेड 60 पॉइंट आज हमने कवर किए, कहीं नहीं है फ्रेंड्स, TGT PGT नेट के लिए अगर सर्च करोगे आप टेड ह्यूज को नहीं मिल रहे हैं फ्रेंड्स, मुझे भी कहीं भी कुछ नहीं मिला, मैंने ये सब अपने ही सोर्सेज से निकाल के आपके लिए प्रेजेंट किया है। मिलेगा लेकिन इस वे में अभी टीचिंग से जो रिलेटेड एग्ज़ाम है वहाँ कोई नहीं पढ़ा रहा है अभी इसको टेड ह्यूज को, तो हम इसे पढ़ रहे हैं इन इंग्लिश राइटर इंग्लिश लिटरेचर के तहत, 20th century के जो इंग्लिश लिटरेचर है में जो इम्पोर्टेंट राइटर रहे पोइट रहे उसके तहत ये हमें सिलेबस में है, आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन, खुश रहिए पॉजिटिव रहिए, सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, शेयर करें आगे बढ़ाएं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेड ह्यूज का फ्रेंड्स, ठीक है ओके। तो फॉर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन, खुश रहिए पॉजिटिव रहिए फ्रेंड्स, जय हिंद।